गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल. वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर वेरिएशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड वी आर स्टडिंग इंटेलिजेंस. एंड इन द इंटेलिजेंस वी आर डूइंग थ्योरीज. सो वी हैव डन मेनी थ्योरीज सो फार एंड टुडे वी विल डू अ न्यू थ्योरी, दैट इज ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ट्रायार्किक नेम से ही क्लियर है, ट्राय, जिसमें तीन एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे कि इंटेलिजेंस थ्री टाइप्स की होती है. And this theory is given by Robert Sternberg in 1985. So, ये कुछ basic information है which you have to keep in your mind for the objective type question, that triarchic theory of intelligence is given by Robert Sternberg. This theory was given in 1985 and this theory is based on info processing approach. So, this according to this theory, Robert Sternberg says कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो थ्री टाइप्स की होती है. वन इज़ द कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्सचुअल. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, सभी लोगों में ये तीनों इंटेलिजेंस होती हैं, लेकिन किसी में ये वाली ज़्यादा हो जाएगी, किसी में ये एक्सपीरियंशियल ज़्यादा है, किसी में कंटेक्सचुअल ज़्यादा है, लेकिन इंटेलिजेंस सब में ये तीनों प्रेजेंट होती हैं. इनके लेवल्स अलग अलग होते हैं. So, and he gave a very important definition also, that is adapt, shape and select the environment. According to Robert Sternberg, intelligence means to adapt according to the environment. अगर आप अपने आप को अपने environment के according adapt कर लेते हैं, means change कर लेते हैं, या फिर आप environment को अपने according shape कर लेते हैं, या फिर आप कोई better environment choose करके उसमें shift हो जाते हैं to achieve your goals. So, main thing is to use your intelligence to achieve your goals. उसके लिए आप कोई भी step अगर लेते हैं, adaptation, shaping और changing the environment, so that is intelligence. तो इन्होंने three components दिए intelligence के, जिसकी वजह से इसे हम triarchic theory कहते हैं. और इन्होंने intelligence three types की बताई. One is the componential and experiential and contextual. Now what is this componential intelligence? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. एनालिटिकल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिसकी एनालाइजिंग पावर ज़्यादा हो, मीन्स हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, दैट कम्स इन दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. जिसमें जिस पर्सन का कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, उनकी क्या एबिलिटीज़ होती हैं? उनकी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो लोग एकेडमिक में बहुत अच्छे होते हैं. ऐसे लोग पज़ल्स सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा होता है. और इसके जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के मेन थ्री कॉम्पोनेंट हैं, फर्स्ट इज़ द नॉलेज एक्विजिशन. मीन्स हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी नॉलेज को एक्वायर करने की ट्राई करेंगे कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, कहाँ से जनरेट हुआ है ये प्रॉब्लम. वी विल ट्राई टू एक्वायर द नॉलेज रिलेटेड विद दैट क्वेश्चन और दैट प्रॉब्लम. सेकंड नंबर पे आता है मेटा कॉम्पोनेंट. मेटा कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कि हायर लेवल थिंकिंग, कि फिर हम उसके ऊपर एक हायर लेवल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. थर्ड स्टेप पे आता है परफॉर्मेंस, कि जब हमने उसका मेटा थिंकिंग कर लिया, हायर लेवल थिंकिंग कर लिया, हमने सोच लिया कि हमें कौन सा सॉल्यूशन लगाना, ये सब अभी थिंकिंग में था, लेकिन जब हम उसे एक्शन में ले आते हैं, हम वो कॉम्पोनेंट अपना अप्लाई कर देते हैं, उस सॉल्यूशन अप्लाई कर देते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस. तो जिन लोगों का एनालिटिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, दोज पीपल आर कंसीडर्ड जनरली इंटेलिजेंट इन देयर एकेडमिक पार्ट, इन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट. सेकेंड नंबर आता है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का, जिसे हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं. एक्सपीरियंशियल, जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो नॉलेज, जो इंटेलिजेंस हमारे पास, एक तो एक्सपीरियंसेस से आती है, और डेफिनेटली ये जो इंटेलिजेंस है ये एज के साथ साथ डेवलप होगा. तो जिन लोगों का कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, ग्रेजुअली उनका एक्सपीरियंशियल भी और बेटर हो जाएगा एज के साथ साथ. जितना हमें एक्सपीरियंस होगा उतना हमारा इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगा. तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को हम टू पार्ट में स्टडी करते हैं. एक तो जो हमें एक्सपीरियंस से गेन हुआ, दैट इज़ आर इंटेलिजेंस. फिर हम उस एक्सपीरियंस गेनिंग को, जब हमारे सामने कोई न्यू प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसिस को कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ आर क्रिएटिव इंटेलिजेंस. अपने पास्ट एक्सपीरियंसिस को यूज़ करना,
और उनके उनसे रिलेटेड हमें न्यू थ्योरीज पे जाना, न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज पे पहुंचना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. आफ्टर दैट वी कम टू कंटेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. ये वो इंटेलिजेंस है जिसमें ये तीनों डेफिनेशंस हमारी अप्लाई हो जाती हैं कि जब हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं. इसमें थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारे सामने कब कौन सी सिचुएशन, कब कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है. तो जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रैक्टिकली या तो हम उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट करते हैं, या उस सिचुएशन को फिर हम चेंज करने की ट्राई करते हैं कि सिचुएशन को हम अपने अकॉर्डिंग शेप कर लें, या फिर हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें. तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली इस इंटेलिजेंस में फिट होती हैं, दैट इज़ कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस. ये जो इंटेलिजेंस है, ये हमारा रिलेशन डिसाइड करती है हमारे बिहेवियर और हमारे इंटेलिजेंस के अंदर. एंड दिस इज़ जनरली रिलेटेड विद द स्मार्टनेस. स्मार्टनेस को भी इन्होंने टू टाइप्स में आगे डिफाइन किया है. इधर इट इज़ द स्ट्रीट स्मार्टनेस, कि चलते फिरते आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो आपने कितनी स्मार्टली उसको हैंडल किया, या फिर बिजनेस स्मार्टनेस. कुछ लोगों में बिजनेस स्मार्टनेस बहुत हाई लेवल का होता है. वो उनके सामने जो सिचुएशन आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसको बड़ी जल्दी पिक करते हैं. कई लोग होते हैं ना कि हमने कहा कि ये बड़ी जल्दी अपॉर्चुनिस्ट पिक कर लेता है, और कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं. तो इसका मतलब उनके अंदर वो बिजनेस स्मार्टनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस और प्रैक्टिकल स्मार्टनेस कम है. तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ये तीनों इंटेलिजेंस होती सबके अंदर हैं, लेकिन किसी में कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, किसी में कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है. सब में इंटेलिजेंस का लेवल अलग अलग होता है. सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ ट्रायार्किक थ्योरी बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट थ्योरी.